पाकिस्तान के मंत्री से लेकर अधिकारी तक को भारत के अगले कदम की जानकारी बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं लग पा रही है। भारत किस प्रकार से अपनी कूटनीति के बल पर पाकिस्तान को बौखला रहा है, यह वहां की मीडिया और सरकारी नुमाइंदों के बयान से पता लगता है। आज जब पाकिस्तान को भारत मीडिया से इस बात की जानकारी मिली कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बैठक कर रहे हैं, तो वहां हलचल मच गई। अजीत डोभाल का सऊदी दौरा इतना गुप्त रखा गया कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। वैसे भी अजीत डोभाल खुद में एक रहस्यमय शख्सियत है, वे कब कहां होते हैं किसी को पता ही नहीं होता है। अजीत डोभाल और मोहम्मद बिन सलमान की इस मुलाकात में पाकिस्तान के उन तीतर को उड़ा दिया गया है जिन्हें चूजे के रूप में इमरान खान सऊदी अरब में छोड़कर आए थे। डोभाल ने जम्मू कश्मीर पर भारत के दृष्टिकोण और कार्रवाई के बारे में गहन चर्चा की है। एनएसए डोभाल मंगलवार को सऊदी अरब के दौरे पर रियाद पहुंचे हैं। इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल ने सऊदी अरब के अपने समकक्ष के साथ भी मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सऊदी क्राउन प्रिंस से मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब इमरान खान ने कुछ दिनों पहले ही कश्मीर मुद्दे पर सऊदी अरब का समर्थन हासिल करने की कोशिश की थी और अपने सऊदी दौरे पर उन्होंने इसे भुनाना चाहा था। अजीत डोभाल की यह यात्रा भारत सऊदी अरब के संबंधों पर आधारित है और यह दौरा बता रहा है कि भारत सऊदी अरब को अपना कितना करीबी देश मानता है और इसलिए वह जम्मू कश्मीर पर अपने फैसले को पूरी तरह से सऊदी के सामने निष्पक्षता से रखना चाहता है। एनएसए अजीत डोभाल इसलिए भी अहम है क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 370 पर सरकार के फैसले को जमीन पर उतारने का काम किया है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाहट में है। पाकिस्तान भारत के इस फैसले के खिलाफ पूरी दुनिया में समर्थन जुटाता फिर रहा है लेकिन उसे चीन के अलावा ज्यादातर देशों का समर्थन नहीं मिला है। चीन के साथ तुर्की और मलेशिया ही दो ऐसे देश रहे हैं जिनका समर्थन पाकिस्तान को मिल पाया है। सऊदी अरब ने इस पर पाकिस्तान को समर्थन नहीं दिया है, हालांकि वह इस मामले पर तटस्थ की भूमिका में रहा है। कश्मीर मसले पर पाकिस्तान को ज्यादातर बड़े मंचों पर मुंह की खानी पड़ी है, चाहे वो यूएनएचआरसी हो या यूएनजीए हो। यूएन के कई मंचों पर पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करते हुए भारत ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया है। हाल ही में यूएनजी के सत्र में भी पाकिस्तान को भारत के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। अजीत डोभाली वो करिश्माई व्यक्तित्व है जिसने मोदी सरकार के कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर एक बड़ी योजना तैयार की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों के बीच रहकर वस्तु स्थिति को जाना है। बड़ी बात यह है कि भारत के पीएम के साथ गए विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी तक अमेरिका में मौजूद हैं, जो 3 सितंबर तक वहीं रहेंगे। इसके अलावा अजीत डोभाल कश्मीर मुद्दे पर भारत का पक्ष मजबूती से रखने के लिए सऊदी की यात्रा पर हैं। पिछले महीने ही वे रूस में अपने समकक्ष को कश्मीर की पूरी स्थिति अवगत कराकर आए हैं। कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान के मंत्री और संतरी सभी पाकिस्तान में मटर उगाने में मशगूल हैं। इसके बावजूद कह रहे हैं कि दुनिया उनके साथ नहीं है, किंतु वास्तविकता यही है कि इन मदरसा जमात का पूरा फोकस ही उन पाकिस्तानी मदरसों की दीवारों पर है जहां हाफिज सईद के पोस्टर चिपकाने के लिए गोंद हेतु कर्ज जुटाया जा रहा है। वैसे भी पाकिस्तानी मदरसों में कूटनीति नहीं जेहाद की तालीम दी जाती है, जहां 6 साल के बच्चे को 72 उरों के सपने दिखाए जाते हैं। ऐसे ही मदरसों से कट्टरपंथी इमरान खान नियाजी जैसों की पैदावार होती है। अजीत डोभाल जैसी शख्सियत के पास इन पाकिस्तानी मदरसा पैदाइश का अच्छा इलाज है और वह वही कर रहे हैं। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।